think I miss you so much. I think I'm meeting after so long. Yes. After college reunion, right? Yes. Oh my God. कैसी? मैं तो बहुत बढ़िया. तू बता, तू कैसी है? मैं भी बहुत अच्छी. वाओ. और क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है. और क्या? अच्छा, ये सब छोड़, तू ये बता, तेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना? हाँ. तू घर का सारा काम भी तू ही करती होगी? नहीं नहीं, घर का काम तो मोहित करता है. बस मैं तो उसके पास खड़े होकर सिर्फ प्यार से बातें करती रहती हूँ. पर जैसे ही काम खत्म होता है ना, मैं अपनी शिकायती जोन में आ जाती हूँ सोने से पहले. पर शिकायती जोन में क्यों आती है तू? यार मैं क्या करूँ, ये मेरा एक्चुअल स्वभाव है. देख, मैं ना बचपन से दादी के साथ सोई हूँ, तो समझ सकते हैं ना, मैं सब वहीं से सीखी हूँ. इसलिए देख, मैं ना दूसरों की आदतें छुड़वाने में ना माहिर हूँ. देख, मैंने ना मोहित की सिगरेट, दारू, दोस्तों के साथ घूमना फिरना सब छुड़वा दिया, पर मैं नहीं छोड़ पाई. पर ठीक है ना, इससे दो फायदे हैं. राइट. ठीक है ना, एक तो ये कि खर्चा बच जाता है. राइट. और दूसरा ये, हम भी तो इन लड़कों के लिए कितनी सारी चीजें छोड़ देते हैं यार. अपना मायका तो कभी जायका, कभी अपना एक्स तो कभी रिलैक्स. तो ये लड़कों को भी तो कुछ सीखना चाहिए ना हमारे लिए. राइट. गुड गुड. अच्छा, आगे का क्या प्लान है? लाइक शादी, बच्चे? हाँ, मतलब मोहित का जैसे ही ट्रांसफर होगा ना USA में या फिर कनाडा में, तो हम तुरंत शादी कर लेंगे. फिर कोई छोटा सा बच्चा हम गोद ले लेंगे, सुंदर सा, ताकि हमारी फैमिली फोटो की शोभा बढ़ा दे. गुड लुकिंग बच्चा. पर ऐसे तो वो तेरा और मोहित का बच्चा लगेगा ना. आई थिंक ना, बच्चा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, जैसे एंजेलिना जोली का. क्या है ना, ऐसे बच्चे ना आगे जाके ना हमारी महानता का प्रमोशन करते हैं. हाँ यार, कह तो तू सही रही है. मैं ना आज ही मोहित से बात करती हूँ इस बारे में. तो मैं ऐसा करूँगी कि अगर हम USA ट्रांसफर हुए ना, तो मैं कोई काला बच्चा गोद ले लूँगी. और अगर मैं कनाडा गई ना, तो कोई पंजाबी बच्चा गोद ले लेंगे. बस फिर तो लाइफ सेट है. सेट है यार, तेरे साथ इतना अच्छा लड़का जो सेट है. ओ हेलो, मैंने सेट किया है. ठीक है ना, तो 7 महीने पुराने मोहित को देखती ना, और आज वाले को देखेगी. 7 जन्मों का अंतर है. अच्छा? और क्या यार, पर तुमने ऐसे कैसे किया? यार बहुत इजी है. देखो, उसने जो अभी तक रटा हुआ था ना, पहले तो मैंने उसे वो भुलवाया. ठीक है, फिर मैंने उसे वो रटवाया जो मैंने सीखा हुआ था. और क्या. सही है यार, वैसे ना सच कहूं, ऐसे लड़के ना बहुत किस्मत से मिलते हैं. ओ हेलो, ऐसे लड़कों को मैं किस्मत से मिलती हूँ, समझी? राइट. ये बात भी राइट. हाय पिंकी. आ गया मिले बच्चा. ओके, थैंक यू, बाय. सुनो ना, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है अडॉप्शन को लेकर. बाबू, मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है. लेट मी गेस, तुम्हें USA और कनाडा की जगह UK भेज रहे हैं ना, है ना? बेबी रिलैक्स, नो स्ट्रेस. UK थोड़ी छोटी जगह है, बट वी विल एडजस्ट. तो फिर क्या नाइजीरिया भेज रहे हैं? बाबू, वो कहीं पे भी नहीं भेज रहे हैं. मैंने जॉब छोड़ दी. क्या, तुमने जॉब छोड़ दी? पर क्यों यार? मुझे अपने बॉस का बिहेवियर अपने इंटर्न के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं. तो उस इंटर्न ने भी जॉब छोड़ी क्या? वो बेचारी इंटर्न है, वो कैसे जॉब छोड़ सकती है? अच्छा, वो इंटर्न है. तुम क्या MD थे? अरे MD केडी नहीं हूं यार, पर मर्द तो हूं ना यार. मेरे सामने कोई भी किसी लड़की के साथ पूरी तरीके से बात नहीं, उसे नहीं डांट सकता, सिंपल. और अगर तुम बुराई का विरोध नहीं कर रहे हो, उसका मतलब तुम भी बुराई का साथ. यही तो कहती हो तुम अपने फेसबुक लाइव पे. अरे
अरे बाबा फेसबुक लाइव और ऑफिस दोनों में अंतर होता है। अरे कोई अंतर नहीं होता, खासकर ऐसा ऑफिस जो तुम्हें यूएस से भेज रहा हो। अंतर नहीं होता है। अच्छा और अब रेंट? महीने का तुम भर दो, तुम्हारी तो जॉब भी है। बाबू बहुत दिमाग खराब हो रहा है, थोड़ी देर के लिए प्याल प्याल खेलते हैं ना मेरा बाबू। सुनो थोड़े दिन के लिए ना हम सिर्फ फ्रेंड्स बन के रहते हैं, है ना? जब ये सब सही हो जाएगा तो हम रहेंगे ना पहले जैसे, है ना? चलो मुझे ना काम है, बाय। ये तो बता दो कम से कम कि इसमें कपड़े धोते कैसे हैं। मैंने तुम्हें कहा ना कि कुछ दिन दोस्तों की तरह रहने। हाँ सर यूएस से बिल्कुल ठीक रहेगा, मैं कल सुबह आ जाता हूँ ना जॉब। ओके सर, ठीक है सर, जी जी, बाय बाय। सुनो तुम मुझसे 3 दिन से बातें क्यों नहीं कर रही? दोस्तों के साथ ऐसे? मैंने दोस्तों की तरह रहने के लिए बोला था, कोई स्ट्रेंजर्स की तरह नहीं। थोड़ी देर बाद सो जाना ना। मैं कह रही थी कि हम पहले की तरह क्यों नहीं रहते, तुम्हें तो दोस्तों की तरह रहना भी नहीं आता, ना तुम अपना ख्याल रखते हो ना तुम मेरा। सुनो ना तुम काम भी अपने ही हिस्से का करते हो सिर्फ, तुम्हें तो पता है ना मुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता, सब उलट पुलट हो जाता है, इसीलिए तो तुम मुझे झल्ली लड़की बोलते हो ना, है ना? चलो छोड़ो ये बेकार की बातें, तुम्हें पता है क्या
आज ही नाखून काटते टाइम मुझे लग गई। बाबू को चोट लग गई। एक काम करते हैं बाबू, हम ना अभी नीलकंठ के पास जाते हैं, उसे पिट्टी करते हैं। चलो खेली खेली कर ले। तुम्हें क्या हुआ? मैंने जॉब छोड़ी। क्यों? यार मेरा मैनेजर ना पागल हो गया है। कहता है इंटर्न को काम नहीं आता है तो उसे नौकरी से निकाल। मैंने कहा इंटर्न को काम आता नहीं उसे काम सिखाया जाता है। तुम्हें पता उसने क्या बोला? क्या तो बोला? तुम तो इंटर्न भी नहीं, काम तो तुम्हें भी नहीं आता। अगर तुम्हारे पापा सीएम के पीए ना होते तुझे भी नहीं आता। एक सेकंड। आप पे नहीं जाना चाहिए। अरे पर तुम्हारे पापा सीएम के पीए कब थे? अरे बोल दिया उसने ऐसे। एक सेकंड, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा उस इंटर्न से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? देखो सच बताना। क्या तुम अगर महिलाओं के हित में बात करती हो तो तुम फेमिनिस्ट हो, लेकिन मैं महिलाओं के हित में बात करता हूं तो मेरा चक्कर चल रहा है। सुनो हम ना थोड़े दिनों के लिए फ्रेंड्स ही सही हैं, ऑलराइट?